सो हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हो? आज की इस वीडियो में मैं आज का एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर जहां पर हम रैंक करने वाले हैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जिनका पावर अभी तक हमें पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया है फ्रॉम ब्लीच। वेल पहले ही बता दूं, इन कैरेक्टर्स के पूरे स्ट्रेंथ एनिमे में ही नहीं बल्कि पूरे मांगा में भी नहीं दिखाया गया है। वेल पहले ही बता दूं, इस वीडियो में एनिमे एंड मांगा दोनों से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक ब्लीच खत्म नहीं किया है तो आपको स्पॉयलर होगा। तो हां, अभी चालू करते हैं वीडियो को विद रैंकिंग नंबर 5 पे मैं रखना पसंद करूंगा तेत्सुजायमोन ईबा को। ईबा 7th स्क्वाड का वाइस कैप्टन था, या बोलूं कोमामुरा के स्क्वाड का वाइस कैप्टन। अभी रिसेंटली 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में कोमामुरा अपना हार्ट काट के दे देता है ह्यूमनाइजेशन टेक्निक सीखने के लिए। फिर बाद में वो ह्यूमनाइजेशन टेक्निक के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो कैप्टन की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो अभी के टाइम पे स्क्वाड का नया कैप्टन है ईबा। ये कैप्टन बना इसका मतलब इसके पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होना जरूरी है, एंड साथ ही एक बांकाई भी। अभी तक तो इसके जांबगतों का नाम भी रिवील नहीं किया गया, लेकिन इसका शिकाई जरूर दिखाया गया है, जिसका मतलब इसका शिकाई कैसे दिखता है उसके अलावा इसका पावर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर 4 पे। नंबर 4 पे मैं रखना पसंद करूंगा यू कैन इशिदा। ये उर्यू का बाप है एंड वन ऑफ द लास्ट प्योर ब्लडेड क्वींसी भी। एक क्वींसी होने के नाते इसका भी प्राइमरी वेपन बो एंड एरो ही है। और तो हमने ये भी देखा कि अपना एक हाथ से ही एरोस भी शूट कर सकता है। और तो इसे बहुत ही सारे एडवांस क्वींसी टेक्निक्स भी आते हैं, जिसका मतलब अब तक जितने युवा इस्तेमाल कर रहा था उसमें से कई टेक्निक्स यूकेन को भी आते होंगे, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ये कितना ताकतवर है दिखाया भी नहीं गया। तो हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर 3 पे। नंबर 3 पे मैं रखना पसंद करूंगा एशियन कुरोसा। ये एक फॉर्मर कैप्टन था जिसके पास एक फायर बेस्ड जांबग तो था एंगेत्सु, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस फ्लेम्स क्रिएट कर सकता था, और ये अपने ब्लड को मिक्स करके उस फ्लेम्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। और तो एक कैप्टन होने के नाते इसे भी बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिचुअल पावर है, एंड साथ ही एक बांकाई भी, जो कि हमें कभी भी दिखाया नहीं गया है। बाद में ये अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को सैक्रिफाइस करता है मासाकी को बचाने के लिए, जो कि अभी तक वापस नहीं आया। थोड़ा बहुत शिनिगामी पावर्स तो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरा पावर वापस आना बाकी है। हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर 2 पे। नंबर 2 पे मैं रखना पसंद करूंगा जुशिरो उकिता के। उकिता के 13th स्क्वाड का कैप्टन है, जो कि डुअल जांबग तो इस्तेमाल करता है। इसके शिकाई फॉर्म की मदद से ये कोई भी एनर्जी अटैक को ऑब्जर्व कर सकता है, एंड आइडेंटिकल पावर से वापस भी भेज सकता है, लेकिन इसके इलनेस की वजह से ये अपना पूरा पावर इस्तेमाल नहीं करता है, एंड इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाया भी नहीं गया है। बाकी इसका बांकाई भी हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है, नहीं दिखा सकते भी है क्योंकि अभी ये मर चुका है। सो हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर 1 पे। नंबर 1 पर आता है ओएत्सु निमाया। यहाँ वही निमाया जिसने सारे जांबग दोस्त को क्रिएट किया है। वैसे इसने बहुत ही सारे जांबग दोस्त को क्रिएट किया है, लेकिन खुद के जांबग के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। इसका जांबग जिसे इसने इस्तेमाल किया था उसका नाम है सायाफुशी। इसने सायाफुशी को फेल्ड क्रिएशन कहा है, क्योंकि ये स्वॉर्ड इतना स्मूथ और इतना ज्यादा शार्प है कि एक शीत भी इसे होल्ड नहीं कर सकता, यानी एक स्वॉर्ड या जांबग का रूल को ब्रेक कर दिया है। बाकी इसका ना शिकाई हमें दिखाया गया है, ना बांकाई हमें दिखाया गया है। बेसिकली सारे स्वॉर्ड जीरो के मेंबर्स के पास एक सील होता है, जिसकी वजह से ये बांका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अगर इन्हें सील ना होता तो शायद हमें निमाया का पूरा पावर हमें दिखाया जाता। वेल यही थे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जिनका पावर हमें पूरी तरीके से नहीं दिखाए गए थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।